दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूं शिव। अगर आपके अपनों ने आपको चोट दी है तो ये कहानी आपके लिए। एक सुनार था और उसके दुकान से लगी हुई एक लोहार की दुकान थी। जब भी सुनार काम करता तो बहुत धीमी आवाज आती, लेकिन जब भी लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कान फाड़ देने वाली आवाज आती। एक दिन एक सोने का कड़ छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वहां उसकी भेंट लोहार के हथौड़े के लोहे के एक कण से हुई। सोने के कण ने विनम्रता पूर्वक लोहे कण से पूछा कि भाई, हम दोनों का दुख एक समान है। हम दोनों को एक समान आग में तपाया जाता है और समान रूप से हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। सोने के कण ने कहा कि ये सब याचना मैं चुपचाप सहता हूँ, पर तुम बहुत ज्यादा चिल्लाते हो क्यों? लोहे के कण ने मन को भरते हुए और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, तुम्हारा कहना सही है। लोहे के कण ने सोने के कण को विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि तुम पर चोट करने वाला तुम्हारा सगा भाई नहीं है और मुझ पर चोट करने वाला हथौड़ा मेरा सगा भाई है। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि पराओं की अपेक्षा अपनों के द्वारा दी गई चोट अधिक पीड़ा पहुंचाती है। अगर ये कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।